दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चंद्रिमा मर्केंटाइल लिमिटेड, ये कंपनी मेनली एग्रीकल्चरल स्टॉक का ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 1.31 करोड़ है। स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 5.94 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 10 रुपीज़ है और ये स्टॉक 21.8 KPE में ट्रेड कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी मेनली ऑनलाइन शेयर एंड स्टॉक का ट्रेडिंग करते हैं। कंपनी की सर्विसेज में इंक्लूड होता है कस्टमर सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ऑनलाइन रिसीप्ट, मार्केट एनालिसिस, ये सब कुछ। कंपनी प्रोवाइड करते हैं शेयर बिल्डिंग प्लान, सिक्योरिटी, बोरोइंग एंड लेंडिंग, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ये सब कुछ। साथ ही कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं फेरो अलॉयज, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब कुछ। दोस्तों, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेल अटेंड करना इंडियन मार्केट में और कंपनी के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक्सपांड करना, इंक्रीज करना डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, साथ ही एक्सपांड करना मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, ये सब कुछ। दोस्तों, ये कंपनी 1982 में अहमदाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी के सेल 78.4 करोड़ से बढ़कर 218.5 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 52.8 करोड़ से बढ़कर 198.5 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का EPS 2.5 से बढ़कर 8.9 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 180.4 करोड़ से बढ़कर 976.5 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर से 51.16% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 48.84% होल्ड किए शेयर्स। दोस्तों, ये कंपनी नेशनल इकोनॉमी के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। कंपनी करेंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके सारे प्रोडक्ट्स। कंपनी इंक्रीज कर रही है लॉन्ग टर्म वैल्यू ताकि उनके शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। कंपनी उनके कस्टमर्स के सारे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट टीम के एम्पावरमेंट, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी के वजह से आज ये कंपनी इतना सक्सेसफुल हुआ है। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा।